नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आप लोगों में से लगभग सभी ने हनुमान जी की भक्ति अवश्य की होगी। जो भी सनातनी है वो मंगलवार के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके नियमों का पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और जो हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा रखते हैं वो मंगलवार के अलावा भी नियमित रूप से हनुमान जी का पूजा पाठ उनके व्रत आदि करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी विशेष बातों के बारे में, कुछ खास बातों के बारे में बात करेंगे जो हनुमान जी के भक्तों को जरूर पता होनी चाहिए, जो उन पर अटूट श्रद्धा रखते हैं और जो उनके पूजा पाठ व्रत आदि करते हैं, ताकि जाने अनजाने कुछ गलत ना हो और बजरंगबली का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। और ये जानकारी बहुत खास है, आप सभी को अपने जीवन में से जरूर उतारना चाहिए। तो सबसे पहली बात जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति की ताकत का भान होना, उसको पहचानना। आप जो भी जप तप हनुमान जी के लिए कर रहे हैं तो उसको कायम रखने के लिए एक मजबूत संकल्प शक्ति जरूर होनी चाहिए। इसके बाद ही पूजा के नियम व्रत विधि आती है। कोई भी साधना भी आप करते हैं तो उसमें भी संकल्प सबसे पहले आता है, क्योंकि बिना संकल्प के किया गया जो पूजा पाठ है उसका फल नहीं मिलता। और संकल्प जितना मजबूत होगा उतना ही ज्यादा आपको पूजा में सफलता मिलेगी। और ये संकल्प सिर्फ पूजा विधि से संबंधित नहीं है, बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा की ऊर्जा बढ़ाने के लिए संकल्प है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हर मंगलवार के दिन आपको एक संकल्प हनुमान जी को साक्षी मानकर लेना है। पूरे हफ्ते का प्रण लें और हर मंगलवार करें। प्रण आपका कुछ भी हो सकता है और हर हफ्ते आपको ये करना ही करना है। और ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि आपके अंदर का ईश्वर तभी जगेगा, मंदिर आपके मन का तभी खुलेगा। बाहर के मंदिर तो आप हमेशा ही जाते हैं, लेकिन जिस दिन मन के मंदिर के कपाट खुल गए तो उसी दिन सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति का क्षण होता है भक्तों के लिए। संकल्प आप कई तरह का ले सकते हैं। जैसे आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मुझे क्रोध नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे क्रोध नहीं करना। क्योंकि दोस्तों, क्रोध प्रेम का, भक्ति का विलोम है, उसका ठीक विपरीत है। आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मुझे आलस्य नहीं करना, क्योंकि आलस्य जिस व्यक्ति को है तो साधना के पथ पर, भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आप ये भी संकल्प ले सकते हैं कि मुझे पूरे एक हफ्ते कसरत करनी है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, या मुझे अच्छा खाना खाना है, या ये संकल्प ले सकते हैं कि मुझे कटु वचन नहीं बोलने हैं, या हर दिन पूरे हफ्ते गाय को रोटी देनी है। ये भी आप संकल्प ले सकते हैं। तो बहुत सारे संकल्प मैंने आपको गिनाए हैं, इतने सारे प्रण बता दिए हैं, उनमें से कोई भी एक संकल्प आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को साक्षी मानकर लेना है। और ये संकल्प आपको पूर्ण करना है हर हालत में, क्योंकि ये जो संकल्प शक्ति आपकी विकसित होगी तो तभी आप संतई के मार्ग पर आगे चलेंगे। बड़े से बड़ा भक्त वही है जिसकी संकल्प शक्ति अटूट होती है। चाहे वो माँ दुर्गा का शेर हो जिसने हजारों साल माँ दुर्गा का इंतजार किया, चाहे वो मीरा हो, और सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं हनुमान जी हैं। उनकी तो शक्ति ही संकल्प की शक्ति में है। जब हनुमान जी को पता चला कि लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए, तो उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, ये प्रण लिया कि वो संजीवनी बूटी लेकर आएंगे। भले ही वो संजीवनी बूटी को नहीं पहचानते थे, तो पूरा का पूरा पर्वत उठाकर लेके आ गए। और जैसे जैसे ये संकल्प आपका विकसित होगा दोस्तों, हनुमान जी की कृपा स्वतः ही आपको प्राप्त होती रहेगी। अब दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो हनुमान जी को आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं वो ध्यान रखें बासी ना हो। आपको ये तय करना है कि जिस दुकान से आप ये प्रसाद ला रहे हैं वहां उसी दिन बना हो, फ्रेश बना हो। और इसका बहुत गहरा धार्मिक कारण भी है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका स्वास्थ्य भी एक कारण है। हमारे यहाँ कई लोग क्या करते हैं कि पुराना जो प्रसाद पड़ा हुआ है वो चढ़ा देते हैं, और सिर्फ मंगलवार को ही नहीं, कोई भी दिन हो अपने इष्ट को पुराना प्रसाद या बासी प्रसाद आपको नहीं चढ़ाना है। जिस दुकान से आप ला रहे हैं आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि उसी दिन ताजा फ्रेश बना हुआ हो। और धार्मिक कारण ये है कि ताजगी का अर्थ क्या है, ताजगी का अर्थ है जीवन, और बासी अर्थात मृत्यु। चाहे कोई भी फल हो, कोई भी प्रसाद हो, तो वो हमेशा ताजा होना चाहिए जो अपने इष्ट पर चढ़ता है। अब तीसरी चीज जिसको आपको ध्यान रखना है कि प्रसाद अगर बच जाए तो उसका क्या करें। कई घरों में, कई जगह ऐसे होता है कि प्रसाद महीनों महीने इकट्ठा होता रहता है, ऐसा नहीं होना है। उसे अगले ही दिन आपको गाय को खिला देना है। और पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जितना जरूरत है उतने ही आप प्रसाद खरीदें,
और यदि बचे तो घर में वितरित कर दें, आप पड़ोसियों को बांट लें, क्योंकि प्रसाद दोष बहुत गलत होता है। प्रसाद जीवित होता है आपके भाव से। जिस तरह से ईश्वर की मूर्ति जिसकी आप पूजा करते हैं वो आपके भाव से जागृत होती है, उसी प्रकार प्रसाद भी जागृत होता है। इसको आप बेजान नहीं समझें। और हमारे शास्त्रों में इष्ट, गुरु और प्रसाद इन तीनों को समान माना गया है। उस प्रसाद में ईश्वर की ऊर्जा होती है। तो जो भी आप प्रसाद भगवान को चढ़ा रहे हैं उसे उसी दिन आप सबको बांट दें, और अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो अगले दिन गौ माता को उसे खिला दें। अगली चीज जो आपको मंगलवार के दिन ध्यान रखनी है दोस्तों, वो है कि स्वच्छता का आपको बहुत ध्यान रखना है। वैसे तो स्वच्छता का ध्यान हमें रोज ही रखना चाहिए, हफ्ते के सातों दिन स्नान आदि करना चाहिए, लेकिन मंगलवार को चारों तरफ एक भक्ति का माहौल कुछ ज्यादा ही होता है। हनुमान जी के नाम की गूंज हर तरफ होती है, और विशेषकर हनुमान जी को ब्रह्मचर्य से जोड़ा जाता है। तो मंगलवार के दिन आप चाहे व्रत नहीं भी रख रहे हैं, प्रसाद नहीं भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन स्नान आदि आप अवश्य करें, क्योंकि हनुमान जी की तरफ उस दिन मन झुकता ही झुकता है। और अपना अनुभव मैं बताती हूँ कि चाहे मुझे 102, 103 का भी बुखार कभी रहा हो तो भी मैं नहीं हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप भी बाध्य हों ऐसा करने के लिए, ये सिर्फ मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। हनुमान जी के लिए जो भी मेरे मन में भाव हैं वो बता रही हूँ। मंगलवार को आपको लगता है कि आप नहीं नहा सकते हैं तो उस दिन आप पंच स्नान भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने व्रत रखा है तो उनको दो बार नहाना चाहिए, सुबह और संध्या को, क्योंकि नहाने से सिर्फ शरीर ही नहीं मन भी पवित्र होता है। और ये बात बहुत वैज्ञानिक है, आप जब नहाते हैं तो आपके शरीर की उत्तेजना समाप्त होती है, शरीर का तापमान गिरता है, तो आपकी मन की उत्तेजना भी शांत होती है। मन के अंदर के जो भाव हैं अगर वो किसी भी रूप में सात्विक नहीं है, सपोज क्रोध बहुत ज़्यादा आ रहा है या कुछ और कुविचार मन में आ रहे हैं, तो वो भी शांत होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो जाओ एक गिलास ठंडा पानी पी लो, शांत हो जाएगा। तो नहाने का शरीर से ज़्यादा मन से संबंध है दोस्तों, इसीलिए मैं नहाने पर विशेष जोर दे रही हूँ कि जो भगवान की भक्ति में है, हनुमान जी की विशेषकर जो भक्ति में है, जो व्रत आदि ले रहे हैं, तो सुबह के अलावा शाम के समय भी उनको स्नान करना चाहिए, क्योंकि मन में जो भी गलत भाव इस बीच में आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का दोष पैदा हो रहा है मन में, तो वो शांत हो जाए। अगली चीज जो मंगलवार को आपको जरूर करनी है दोस्तों, कि कोई कुछ भी मांगे उसे मना नहीं करना है, यानी दान आदि आपको जरूर करना चाहिए। हनुमान जी भक्ति से ज्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब आप किसी असहाय की मदद करते हैं। और ये प्रण आप जरूर कर लें कि आपको मंगलवार को कुछ ना कुछ दान जरूर करना है। तो जितना सक्षम हो आप वो दान करें, और समझिए कि ईश्वर आए हैं आपकी परीक्षा लेने कि कहीं मेरा भक्त लालची तो नहीं हो रहा। कोई भिखारी मांग रहा है 10-20 रुपए और आप बहाने कर रहे हैं कि मेरे पास टूटे नहीं है, फिर आना, शाम को आना। तो दान देने की कोशिश करें, और विशेषकर अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो रास्ते में जरूर किसी जरूरतमंद की कोई ना कोई मदद अवश्य करें। ये जो भी आप कार्य कर रहे हैं मंगलवार के दिन या रोज कर रहे हैं, और आप जिस इष्ट की भक्ति में हैं वो आपके हर काम पर उसकी नजर होती है, आपके हर काम पर उसकी नजर होती है। भक्ति एक ऐसा पाश है जिससे भगवान भी नहीं दूर रह सकते, वो जरूर खींचे चले आते हैं अपने भक्त के पास। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए दोस्तों मंगलवार को। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।